दोस्तों फाइनली मुझे गूगल एडसेंस का जो पिन होता है वो पिन मुझे मिल चुका है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए आप सभी को थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट ऑनलाइन क्रिएटर। दोस्तों अगर आप लोग गूगल एडसेंस से अर्निंग करने के लिए सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग को गूगल एडसेंस का दो स्टेप बताऊँगा, ठीक है। जो दो स्टेप आप लोग को गूगल एडसेंस पे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर कंप्लीट अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग को गूगल एडसेंस का जो पेमेंट है वो पेमेंट ही आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप लोग यूट्यूब से अर्निंग करो चाहे ब्लॉगर से करो, मैटर वो नहीं है, बस मैटर रहता है गूगल एडसेंस का। ये दोनों का ही जो पेमेंट है, गूगल एडसेंस का यूट्यूब का और ब्लॉगर का, ये दोनों का ही जो पेमेंट है वो सबसे पहले आप लोग का गूगल एडसेंस पे ही आता है, फिर उसका बात आप लोग का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है आपका पैसा, जितने भी आप लोग अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए ही ये दो स्टेप आप लोग को गूगल एडसेंस पे कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके आप लोग का जो पेमेंट जो है बैंक अकाउंट पे मिलता है। अगर दो स्टेप अगर आप लोग नहीं कंप्लीट करते हो या आप लोग को पता ही नहीं है किस तरह से कंप्लीट करता है, आप लोग काम करते जा रहे हो और आप लोग का जो अर्निंग है वो बढ़ते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, तो आप लोग का बस सिर्फ अर्निंग ही बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन आप लोग का जो पेमेंट है वो मिलेगा ही नहीं। तो इसी वीडियो पे मैं आप लोग को एकदम लाइव प्रूफ दिखाऊंगा करके कि दोनों स्टेप क्या है और किस तरह से इसको कंप्लीट करता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप नहीं करनी है, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देख लो, काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से आप लोग को नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर वन जो आता है गूगल एडसेंस से पेमेंट लेने के लिए, आप लोग को आप लोग का जो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है उस पर आप लोग का आईडी कार्ड, जैसे हो गया वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का जो आप लोग का आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड देके आप लोगों का गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और उसका बाद नंबर टू पे जो आता है वो आता है आप लोगों का गूगल एडसेंस को जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस को आप लोग को वेरीफाई करना पड़ता है। जब तक वो एड्रेस जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का जो बैंक अकाउंट जो ऑप्शन है बैंक अकाउंट डालने का वो ऑप्शन ही आप लोग को नहीं देगा, ठीक है। तो नंबर वन आप लोग का आईडी कार्ड तो भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो तो आप लोग को कंप्लीट करना ही है, और नंबर टू आप लोग को एड्रेस भी वेरीफाई करना है, ठीक है। एड्रेस वेरीफाई आप लोग का तभी होता है जब आपका एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, और आईडी भी वेरीफाई तभी होता है जब आप लोग का एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है। तो उसका बाद ऑप्शन देता है एक्शन का एक, उस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग का एक आईडी कार्ड या वोटर कार्ड या जो भी आप लोग का वहाँ पर अपलोड कर देना, वो आईडी कार्ड आप लोग का यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस आईडी कार्ड के ऊपर मैं आज नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोग को बता दूंगा कि आईडी कार्ड को आप लोग को किस तरह से कंप्लीट करना है, और आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को एड्रेस किस तरह से वेरीफाई करना है, ठीक है। जब आप लोग का एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का एड्रेस वगैरह आप लोग को फिर से दोबारा से चेक कर लेना है। जब आप लोग शुरू में एडसेंस बनाएंगे फिर वही दोबारा से आएंगे, आप लोग का एड्रेस वगैरह आप लोग का जो है वो सब कुछ अच्छे से देख लेना है। फिर उसका बाद 10 से 15 दिन या दो हफ्ता या तीन हफ्ता ही लगता है, 21 डे या 20 डे लगता है, आप लोग का गूगल एडसेंस की तरफ से एक पिन भेजा जाता है, वो पिन ये है, ठीक है। इसको गूगल एडसेंस पिन बोला जाता है। इस पिन को आप लोगों का एडसेंस अकाउंट खोलने के बाद एक ऑप्शन रहता है जहाँ पर इसके अंदर, इसको मैंने अभी तक फाड़ा नहीं है, उसको फाड़ को आप लोग को लाइव दिखाऊंगा किस तरह से वो पिन दिखेगा और किस तरह से पिन को सबमिट करना पड़ेगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो पर दिखाऊँगा। बस आप लोग को ये पिन आप लोग को रिसीव करना पड़ेगा, सबसे पहले $10 होता है, उसके बाद ही आप लोग का ये एड्रेस पे आता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आता है, फिर पोस्ट ऑफिस पे जाके ये आप लोग को रिसीव करना होता है। फिर उसका बाद आप लोग को घर में आने के बाद इसको फाड़ना है, फाड़ने के बाद इसके अंदर जो एक कोड मिलता है 6 डिजिट का या 8 डिजिट का जो भी है कोड मिलता है, वो कोड आप लोग का एडसेंस पे जाकर वो एंटर करना पड़ता है, ठीक है, सबमिट करना पड़ता है। फिर उसका बाद आप लोग को बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसी वीडियो पे मैं आप लोग का लाइव दिखाऊंगा सब कुछ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, जब आप लोग का एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाता है, जब आप लोग पिन के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोग का एड्रेस जो है वो एड्रेस सही तरह से भरना है, और एड्रेस का बगल में कॉन्टेक्ट आप लोग को दे देना है, आप लोग का जो कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइड कर दिया हूँ अपना जो एड्रेस है,
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। एक मिनट में आप लोग दिखा रहा हूँ, ये जो आप लोग को लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया। आप लोग को उल्टा भी दिख रहा है शायद, आई थिंक, हाँ उल्टा दिख रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने अपना दे दिया था दो बार। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर देने से ये फ़ायदा होता है, जब आप लोग का पोस्ट ऑफिस में या डाकखाने जो भी बोलेंगे आप लोग, उस पर जब आप लोग का ये पिन जब आ जाता है, तब आप लोग का जो वहाँ पर पोस्टमैन जो रहता है, जो काम करता है, जो बंदा हो या आदमी हो, जो भी काम करता है, वो आप लोग को फ़ोन करके बता देता है कि आप लोग का कुछ आया है, चिट्ठी हो या कुछ भी हो आया है, तो उसको आप लोग को रिसीव कर लेना है, ठीक है, जिस तरह से कॉल आता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप लोग एडसेंस बनाएंगे, जो एड्रेस जब देंगे, तो वहाँ पर आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैं सिंपली इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ या फाड़ लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी खुशी का बात है, ये पिन जब आता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी हूँ, इसीलिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर मैं इसको फाड़ रहा हूँ, और दोस्तों इसको फाड़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा जो फास्ट ऑनलाइन क्रिएटर जो चैनल का जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये इस चैनल का नहीं है, ये कोई दूसरा चैनल का ये पिन है, ठीक है, ये लोकनाथ बागदी नाम पर है। आप लोग को उल्टा दिखेगा सब कुछ, ये लोकनाथ बागदी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसका ये पिन है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फाड़ रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग को फाड़ना है, बस इसको फाड़ो, इधर से फाड़ो। आप लोग को लाइव दिखाने के लिए मैं इसको फाड़ा भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको फाड़ रहा हूँ अभी, ये एक तरफ फाड़ दिया, इसको मैंने फेंक दिया, चलो ये कोई काम का नहीं है। और इधर भी मैं फाड़ दे रहा हूँ इसको, मैं इधर भी फाड़ दिया। बस इसको फाड़ने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इधर से इसको खोलना पड़ता है, ठीक है, इसको इसी तरह से खोलना पड़ता है, और इधर से भी खोलने का एक ऑप्शन, इसको भी आप लोग को खोलना पड़ेगा। तो मैं इधर से भी थोड़ा सा खोल लेता हूँ इसको, दोस्तों फाइनली मैंने इसको यहाँ पर फाड़ लिया हूँ, ठीक है, आप लोग देख ही पा रहे हो। ये जो पिन है, ये पिन आप लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग को उल्टा दिख रहा है, बट ये पिन आप लोग को गूगल एडसेंस पे जाने के बाद ये पिन आप लोग को एंटर करना पड़ता है। तो कहाँ एंटर करना पड़ता है ये भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये है गूगल एडसेंस, और इसको इस तरह से मैंने खोला, और इसके अंदर जो है आप लोग को सीक्रेट पिन जो है मिल जाएगा। बस दोस्तों, इस पर आप लोग को बता भी दिया है कि किस तरह से इस पिन को यहाँ पर एंटर करना पड़ता है, ठीक है। ये रहा साइड पे आप लोग को दिख रहा है, ये स्टेप वन बोला जाता है, आप लोग को उल्टा दिख रहा है, मैं आप लोग को सीधा फ्रंट कैमरे से मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर स्टेप टू भी दिखा रहा है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पर वेरीफाई एड्रेस पे जाने के बाद सेट स्टेप फोर में दिखा रहा है इंटर योर पिन, ठीक है, इंटर योर पिन, और सेटिंग पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद आप लोग को पिन को देने के बाद सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं सिंपली अपना एडसेंस पे जाऊंगा, और एडसेंस पे जाने के बाद इस पिन को कहां पर आप लोग को भरना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं सिंपली अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेता हूं, आप लोग को दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गूगल एडसेंस का पिन, और यहाँ पर स्टेप भी आप लोग देख पा रहे हो सब कुछ, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, ठीक है, सब कुछ आप लोग को दिख रहा है। और ये है गूगल एडसेंस का, गूगल एडसेंस इस पर लिखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोग को एड्रेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो पे आप लोग को उल्टा दिख रहा था। ये लोकनाथ बागदी नाम पे ये चैनल है, और यहाँ पर देख रहे हो सब कुछ देने के बाद यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना डाल दिया था, ठीक है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दो बार डाल दिया था यहाँ पर, क्योंकि जब यह पेमेंट पोस्ट ऑफिस पर आता है तब वो कॉल करके बुला लेता है, ठीक है। तो चलिए सिंपली मैं एडसेंस को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, सिंपली मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लिया, फिर उसका बाद यहाँ पर गूगल पे आप लोग को लिखना है गूगल एडसेंस, ठीक है। गूगल एडसेंस जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप लोग को मिल रहा है गूगल एडसेंस लॉगिन, तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये पेज ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर पेज तो ओपन हो रहा है,
तो मैं इसको थोड़ा डेस्कटॉप साइड पे कर लेता हूँ। इसको मैंने डेस्कटॉप साइड पे तो भाई कर लिया। तो डेस्कटॉप साइड पे इसको मैंने कर लिया हूँ। अब आप लोग को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सब कुछ आप लोग का अर्निंग वगैरह शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई का ये ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, वेरीफाई एडसेंस। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 17 अगस्त को मैंने इसको अप्लाई किया था और मेरे को बहुत ही जल्दी जो ये पिन जो रिसीव हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं लगा है। यहाँ पर बोल रहा है कि 17 तारीख को, 17 अगस्त को मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया था, 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका एड्रेस पर जो पिन चला जाएगा, यहाँ पर ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो एडसेंस को ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर वेरीफाई पे आप लोग को क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो योर पिन, ठीक है। योर पिन यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर वही पिन डालना है जो पिन आप लोग का एडसेंस पे दिया है। तो आप लोग को और एक चीज़ आप लोग को ध्यान पर रखना है कि यहाँ पर देख रहे हो 3 बार आप लोग को पिन आप लोग को मतलब 3 बार आप लोग को दिया जाएगा वार्निंग। अगर आप लोग 3 बार ही गलत यहाँ पर पिन डाल देते हो तो ये पिन आप लोग का और एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग को पिन जो है बड़ी अच्छी से डालना है एक ही बार में ही, ठीक है, एक ही चांस में आप लोग को डालना है। नहीं तो अगर आप लोग 2 बार गलती कर देते हो तो आप लोग को 3 बार तो यहाँ पर चांस देते हैं आप लोग को, बट यहाँ पर आप लोग को गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं देख के एकदम पूरा अच्छे से भर रहा हूँ, 08701317, सॉरी 17। तो ये पिन यहाँ पर देख एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 08701317। तो पिन एकदम बिल्कुल मेरा करेक्ट है। उसका बाद मेरे को क्लिक करना है यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट पे, ठीक है। सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप देखता हूँ क्या होता है। सबमिट पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बोल रहा है जो वेरीफाई हो चुका है, सॉरी ये भाग गया, यहाँ पर आप लोग भी देख लिया होगा, यहाँ पर वेरीफाई ये हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है, इस 3 लाइन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप लोग को पेमेंट का, सॉरी तीसरा नंबर पे आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आप लोग को वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर ऊपर में भी आप लोग को देख रहे हैं एड्रेस हैव योर एड्रेस नॉट वेरीफाई, ये क्यों बता रहे भाई, एक मिनट मैं थोड़ा पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट। एक बार होम स्क्रीन पे चला जाता हूँ मैं, होम पेज पे, सॉरी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो एड्रेस जो है वो तो वेरीफाई हो चुका है, बट यहाँ पर मेरा पेमेंट सेक्शन पे जैसे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑप्शन जो होता है वो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अभी अभी किया हूँ इसको वेरीफाई, इसीलिए नहीं दे रहा है। तो 24 आवर्स वेट करना, बट वेट तो नहीं करना पड़ता है। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम होगा कि मेरा एडसेंस पे अभी तक $2.97 ही है, ठीक है। इसी वजह से जो है मेरा यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, जब तक ये $10 कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मेरा YT स्टूडियो पे ऑलरेडी $10 ओवर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर YT स्टूडियो भी आप लोग को खोल के दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मेरा YT स्टूडियो भी देख पा रहे हो, यहाँ पर जो मेरा $21 से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसको मैं लाइफ टाइम नहीं करूँगा। ये 28 दिन का अर्निंग जो है $21 मेरा हो चुका है, बट ये गूगल एडसेंस पे जो है ये अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसी वजह से आई थिंक मेरे को बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आप लोग का जैसे ही यहाँ पर $10 जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेटिंग का बगल में जो सेटिंग है यहाँ पर आप लोग का बैंक अकाउंट देने का भी एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग अपना बैंक अकाउंट जो सारा का सारा है सब कुछ डाल देना। आप लोग का जो पेमेंट है $100 जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं $100 कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका पैसा है
ये आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना है, क्योंकि अभी मेरे को दे नहीं रहा है तो मैं आप लोग को कैसे दिखाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाइए जब तक ये डॉलर जो है मेरा गूगल एडसेंस पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं जो चीज़ें मैं आप लोग को बताया हूँ कि किस तरह से क्या क्या करना है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से आप लोग को एड्रेस को जो है आप लोग को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया सेम प्रोसेस पे आप लोग करना, आपका जो एड्रेस जो है गूगल एडसेंस का वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी दोस्तों मैं आप लोग को ये दिखा नहीं पाया कि किस तरह से वहाँ पर आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो डॉलर है अभी तक एडसेंस पे ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा डॉलर जो एडसेंस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं आप लोग को अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ जाने के बाद आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, तभी जाकर आप लोग का जैसे $100 कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का जो डॉलर है वो आप लोग का एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। इसी मंथ पे आई थिंक 12 तारीख के बाद मेरा जो डॉलर है वो गूगल एडसेंस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि मैंने अभी सबमिट किया हूँ, वेरीफाई तो मेरा हो चुका है एड्रेस, हो सकता है थोड़ा सा वेट करने के बाद या 24 घंटे या 72 आवर्स वेट करने के बाद ये ऑप्शन दे देगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन जो ये वेट नहीं करना पड़ता तुरंत ही दे देता है, बट पता नहीं क्यों नहीं दिया। मेरे को लग रहा है कि उसी प्रॉब्लम होगा कि मेरा अभी तक डॉलर जो है $10 कंप्लीट नहीं हुआ है गूगल एडसेंस पे, वाइट स्टूडियो पे कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि किस तरह से आप लोग को गूगल एडसेंस का जो 2 स्टेप है किस तरह से आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है, तब जाके आप लोग को जो पेमेंट है मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस तरह का ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलो इस तो टाटा बाय बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।